नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टडी लर्न। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2021 में नौकरियों के यहाँ पर जो है भरमार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में 2.5 लाख से अधिक यहाँ पर जो है वैकेंसीज आने वाली है सभी अलग अलग यहाँ पर जो है विभागों में। तो आप लोग यहाँ पर पहले से रेडी हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर 10वीं 12वीं ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ग्रेजुएशन सभी लेवल पर यहाँ पर जो है वैकेंसीज को निकाला जाएगा। किन किन विभागों में कितने कितने पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली है सभी का डिटेल यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया है, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल के साथ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आपको न्यूज़पेपर कटिंग के अनुसार दिखा पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बताया गया कि बिहार में नए साल में 2.5 लाख नौकरियां, यानी कि 2.5 लाख लोगों के यहाँ पर जो है 2021 में यहाँ पर जो नौकरियां मिलने वाली है। तो देख पा रहे काफी पदों पर यहाँ पर जो नौकरियां वैकेंसीज निकाली जाएगी, इतने पदों पर यहाँ पर जो कभी नहीं निकाले गए थे, जो कि यहाँ पर देख पा रहे आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो शिक्षा को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर जो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो किन किन पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाला जा रहा है, किन किन विभागों में, उनका पर जो पूरा डिटेल जारी किया गया, तो यहाँ पर देख पा रहे कि बताया जा रहा है कि 1.5 लाख पदों पर जो बहाली सिर्फ शिक्षा विभाग में की जाएगी और 29,000 पदों पर पुलिस में दरोगा सर्जेंट सिपाही के यहाँ पर जो बहाली की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे कि डिटेल दिया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, तो शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षक में यहाँ पर देखिए 94,000 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसीज आने वाली है 2021 में, और यहाँ पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक में 30,020 पदों पर यहाँ वैकेंसीज आने वाली है। सहायक प्राध्यापक में 4,638 और वही उत्तरी में हाई स्कूल प्लस टू में 33,000 पदों पर यहाँ पर जब बहाली ली जाएगी 2021 में, तो ये शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर जो लिया जाएगा। वही बात करते हैं यहाँ पर परिवहन विभाग की ओर से भी यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली है 2021 में, जिसमें कि यहाँ पर देख पा रहे कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक 212 पदों पर यहाँ पर लिया जाएगा और चलंत दस्ता सिपाही 1381 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसीज को निकाला जाएगा। ये वही लगभग 12वीं लेवल पर इस वैकेंसी को निकाला जाता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, इसमें भी यहाँ पर देख पा रहे हैं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी 43 और वनपाल में 236 पदों पर यहाँ पर जो है जल्दी, यानी कि 2021 में यहाँ पर जो वैकेंसीज आने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में इंजीनियरिंग व फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक के लिए, तो यहाँ पर 3,000 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसीज आने वाली है। गैर शैक्षणिक पद के लिए 5,000 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसीज को निकाला जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि इसके लिए 64वीं और यहाँ इस टाइप से यहाँ पर देख पा रहे कि दिया हुआ है, यानी कि पद इनका 1393 यहाँ पर दिया हुआ है, और न्यायिक सेवा के लिए 271 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसी को निकाला जाएगा। साथ साथ यहाँ पर देख पा रहे कि गृह विभाग की ओर से भी वैकेंसी को निकाला जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर देख पा रहे कि SI सार्चेट व सहायक जेल जो कि अधीक्षक होते हैं, तो यहाँ पर 2446 पदों पर वैकेंसी को निकाला जाएगा। और SI में देख पा रहे कि इतने ये सब मगर यहाँ पर देख पा रहे कि दिया ने कि गृह विभाग की ओर से भी यहाँ पर वैकेंसी को निकाला जाएगा। साथ ही यहाँ पर सिपाही की भी वैकेंसी आने वाली है, 11,880 पदों पर अंतिम चरण में यहाँ पर जो बहाली लिया जाएगा। और वही सिपाही और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 8,415 पदों पर वैकेंसी निकाला जाएगा। बहाली की प्रक्रिया पर जो है शुरू भी हो चुका है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं होमगार्ड सिपाही की भी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है 551 पदों पर, और चालक सिपाही के लिए 98 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 8,415 की यहाँ पर बहाली जो है शुरू यहाँ पर जो है कर दी गई है। और वही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी यहाँ पर वैकेंसी को निकाला जाएगा, इसको लेकर के हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आयुष चिकित्सक के लिए 3,270 पदों पर यहां पर जो वैकेंसी निकाला जाएगा, और यहां नर्स की भी वैकेंसी आने वाली है। तो यहां पर देख पा रहे कि 10,000 यहां पर संभवित यहां पर नर्स की भी वैकेंसी यहां पर जो आने वाली है 10,000 पदों पर। पंचायती राज विभाग की ओर से भी वैकेंसी आने वाली है, अंकेक्षक यानी कि 589 पदों पर, और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 477 यहां पर पदों पर लिया जाएगा। लेखपाल तकनीकी सहायक व विशेषज्ञ के लिए 2,000 पदों पर इस वैकेंसी को यहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां पर जो है निकाला जाएगा। तो इस टाइप से देख पा रहे हैं कि 12वीं लेवल पर आपको ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। और साथ साथ यहां पर देख पा रहे कि नगर विकास एवं आवास विकास के लिए भी निकाला जाएगा, जो कि यहां पर देख पा रहे कन्या यानी कि 442 पदों पर, और नगर निकायों में विभिन्न पद 500 यानी कि संभवत यहां पर जो निकाला जाएगा, जो कि यहां पर साफ तौर पर देख पा रहे कि इंटर स्तरीय विभिन्न पद यहां पर 1400 पदों पर यहां पर जो वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार यहां पर देख पा रहे कि सभी अलग अलग विभागों में यहां पर जो है 2021 में यहां पर जो वैकेंसीज आने वाली है। तो आप लोग यहां पर पहले से रेडी रहिए, क्योंकि आप लोगों के पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक है, इस तरीके से बाकी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप यहां पर मन से तैयारी अपना करते रहिए। तो इस तरीके से यहां पर देख पा रहे कि आने वाली है। बाकी अगर कुछ भी यहां पर पढ़ना चाहे तो आप यहां पर इसको यहां पर पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल यहां पर दी गई है। इस पेपर कटिंग का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैं दे दिया हूं, आप वहां से
जाकर के पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहां पर देख पा रहे कि बताया गया कि नई सरकार में नौकरियों की भरमार होगी। बिहार में अस्थायी नियोजन और समयता आधारित पदों पर जो है लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया पर जारी है, जो कि मैंने को बताया कि कुछ कुछ पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है जो नए साल में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार ने विभिन्न और कार्यालय में रिक्त पदों पर जो ब्यौरा यहां पर जुटा जा रहा है, यानी कि इस तरीके से डिटेल यहां पर दे दिया गया है कि इन इन पदों पर हम यहां पर जो वैकेंसी लाने वाले हैं। इसके लिए सरकार विभाग यानी कि इस टाइप से देख पा रहे कि दिया गया है, नई सरकार में शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों को रिक्तियां जुटाने का यानी कि स्टाफ सौंपा गया था। संभावना है कि विभिन्न श्रेणी के हजारों रिक्त पदों पर जो है बहाली होगी। और यहां पर राज्य सरकार अस्थायी नौकरियां देने के अलावा नियोजन और समाधि यानी कि अधिकारियों पदों पर जो है बहाली की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां यहां पर जो है मिलने वाली है। शिक्षा और गृह में सबसे ज्यादा यहां पर जो बहाली होने वाली है, और यहाँ पर फिलहाल करीब 2 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू है। इनमें यहाँ पर सिर्फ शिक्षा विभाग में ही सहायक पद यानी कि ये सब शिक्षकों में 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर पद हैं जिन पर नियुक्ति होनी है। गृह विभाग में अधीन दरोगा या इस सब यानी कि सहायक जेल, इन सब पदों में आपको यहाँ पर जो सिपाही के लिए हजारों पद यहाँ पर जो खाली, जिनमें यहाँ पर जो बहाली लिया जाएगा अंतिम चरण में। इसके अलावा दरोगा यानी कि सिपाही 10,000 से ज्यादा पदों पर यहाँ पर आवेदन लिए जा चुके हैं, जो कि हमने आपको बताया कि दरोगा का पद जो लिया जा चुका है और जल्द यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा यहां पर आयोजित होने वाली है, यानी कि एग्जाम इनका लिया जाएगा। और पंचायती राज, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परिवहन, नगर विकास, तो इन सब पदों पर भी यहां पर जो है जल्द यहां पर आने वाली है। इनमें यहां पर देख पा रहे कि इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज सभी के यहां पर जो है इस तरीके से यहां पर देख पा रहे कि लिया जाएगा। और ये जो आपको वैकेंसी रहने वाली है 10वीं 12वीं ITI पॉलिटेक्निक ग्रेजुएशन सभी लेवल पर यहां पर जो है वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो ये थी अपडेट जो आप लोगों को बताना था। आई होप हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। ऐसे डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।